अंग्रेजों की कूटनीति थी, अगर क्षत्रिय यहाँ पर शासन संभालते रहे तो हमारी दाल नहीं गलेगी, भारत को रौदने में हम समर्थ नहीं होंगे। इसलिए हमारे राजनेताओं को, सत्ता लोलुप दूरदर्शी राजनेताओं को प्रेरित कर उन्होंने क्षत्रियों को दिशाहीन करने का प्रयत्न किया। आज वो सफल माने जाते हैं, लेकिन मैं शंकराचार्य के पद से बहुत ही सोच समझ कर धैर्यपूर्वक विवेक पूर्वक ओजस्विता पूर्वक दूरदर्शिता पूर्वक के घोषणा करना चाहता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप सनातन धर्म के सर्वेश्वर ने क्षत्रियों को ही रक्षा का दायित्व दिया है और शासन करने का अधिकार प्रदान किया। इसलिए धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना के लिए प्रथम चरण में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य की दृष्टि से भारत के 5 क्षत्रिय, नेपाल के 5 क्षत्रिय, भूटान के 5 क्षत्रिय, बांग्लादेश के 5 क्षत्रिय, पाकिस्तान के 5 क्षत्रिय, कुल मिलाकर 25 क्षत्रिय हमसे संपर्क स्थापित करें, संयोजन समिति के सदस्य बने और धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में फिर प्रतिष्ठित हो और पूरा विश्व उसको आदर्श माने, इसका मार्ग प्रशस्त करें।